New Year! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। हम लोग एक साल बाद मिले। लास्ट वीडियो 2019 की थी और ये फर्स्ट वीडियो है 2020 की। आज 1 जनवरी है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ टू यू एंड योर फैमिली। हंसते मुस्कुराते रहें आपके बच्चे इसी तरीके से, एंड आप लोग बहुत हेल्दी रहो, यही कामना करूँगी भगवान से। और ये साल आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। तो आज 1 जनवरी है, बहुत अच्छी सी ब्राइट सनलाइट है, ठंडा है बाहर, बट जिस दिन सनलाइट आ जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी सोक इन करना स्टार्ट करते हो। तो यस, इट इज़ गुड कि 1 जनवरी नए साल की शुरुआत एक अच्छी सी ब्राइट सनलाइट के साथ हुई है, और भगवान करे इसी तरीके से आप सभी लोगों की लाइफ रोशन रहे, खुश रहे। तो अभी हम लोग सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं और सबसे पहले करेंगे भगवान की पूजा, और उसी तरीके से फिर हम नए साल को वेलकम करेंगे और शुरू करेंगे अपना नया साल। कल जो स्नोफॉल हुआ था वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर। कल 31st इवनिंग पे हम लोगों ने फ्रेंड्स के साथ मिलके पार्टी की, बहुत मज़ा आया। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम लाइव पे भी बताया था कि हम लोग आज पार्टी करने वाले हैं, और जब भी आपको पता है हम लोग इस तरीके से पार्टी करते हैं ना, तो बहुत सारा यमी यमी खाना आता है। हमारे एरिया में ना एक लोकल केटरिंग लेडी है जो केटर करती हैं ऐसे पार्टीज़ को, तो हम लोगों ने स्टार्टर्स उन्हीं से ऑर्डर किया था, काठी रोल ऑर्डर किया था, और चिली पनीर बहुत टेस्टी था और बहुत ज़्यादा हैवी था। तो मेन कोर्स तक तो कल हम लोग पहुँच ही नहीं पाए थे। दो हमने मेन कोर्स चिपोटले से बरिटो बाउल ऑर्डर किया था, बट स्टार्टर्स इतने हैवी हो गए थे कि पूरा का पूरा बरिटो बाउल हमारा तो एज इट इज़ रखा था। और जब भी हम लोग इस तरीके से पार्टी करते हैं ना, तो जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो हम भी काफ़ी सारा खाना लेकर आए थे। तो ब्रेकफास्ट में वही हमने काठी रोल और चिली पनीर गरम करके खाया, और गोविंद के लिए अंशुल ने बनाई थी बनाना ब्रेड, बहुत टेस्टी बनी है। तो उसको बनाना ब्रेड खिला दी, उसको ना आजकल बनाना पैनकेक और बनाना ब्रेड का काफ़ी ज़्यादा शौक लग गया है, तो उसके लिए घर पे बना दी, एंड काफ़ी सारी बनी है। तो अभी भी पीसेस हैं उसके लिए, रख दूँगी अभी मैं उसके लिए, तो वो बाद में भी खा सकता है। एंड यस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फैमिली से बात की, वीडियो कॉल किया। अच्छा लगता है ना जब मिलके ऐसे बात कर लो, तो लगता ही नहीं है कि आप इतनी दूर रह रहे हो। तो यस, गोविंद को दिखा दिया, दादा दादी को, नाना नानी को, तो सबको अच्छे से विश कर दिया। और अभी मैं किचन में जाके थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, क्लीन करने के बाद फिर मैं कुछ मीठा बनाऊँगी, क्योंकि नया साल है, कुछ मीठे से ही शुरुआत करेंगे। तो आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, मम्मी की रेसिपी। मेरे को गाजर का हलवा बनाना नहीं आता था और आज मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, तो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। मम्मी से पूछ लिया है, इजी है, तो आई होप बना ही लूँगी। भगवान को भोग लगाऊंगी बनाने के बाद। और ये है गोविंद, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। आपको बनाना ब्रेड कैसा लगा? इतना अच्छा लगा, वो एक्शन से बता रहा है। तो चलो किचन में चलते हैं, क्लीनिंग करते हैं और भगवान के लिए बनाते हैं प्रसाद। किचन की क्लीनिंग करते करते मुझे याद आया कि जो दूध मुझे गाजर का हलवा बनाने के लिए चाहिए फुल क्रीम ओवरवाइज का, वो तो मेरे पास है ही नहीं। वैसे मैं डेली में ये वाला मिल्क यूज़ करती हूँ, ग्रेट वैल्यू का,
जो वॉलमार्ट पे अवेलेबल रहता है या जो कॉस्को पे फुल क्रीम मिल्क होता है वो, बट ये वाला ना स्वीट्स बनाने के लिए अच्छा नहीं होता है, काफी पतला होता है, वैसा नहीं होता जैसा हमारा इंडिया में मलाईदार फुल क्रीम मिल्क होता है ना। तो अभी अंशुल और गोविंद गए हैं ओवरवाइज का फुल क्रीम मिल्क लेने, जब आएगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने यहाँ पे गाजर अपनी अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक ग्रेट की है, और ट्रस्ट मी गाजर ग्रेट करने में ना हाथ दर्द हो जाते हैं, बट पूरी मेहनत वर्थ हो जाती है जब आप यम्मी यम्मी मीठा मीठा गाजर का हलवा खाते हो। तो यस आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम जब गाजर का हलवा बन जाएगा और हम उसे खाएंगे। तो गाजर वगैरह ग्रेट हो गई है एंड अभी जब तक दूध नहीं आता तब तक मैं अपनी किचन की और अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, और फिर दूध आने के बाद हम यम्मी सा अपना गाजर का हलवा बनाएंगे। They are back. आइसक्रीम खा के आई है? कौन सी आइसक्रीम खाई है आपने? हमने ब्लू आइसक्रीम। ये देखो क्या क्या लाया हूँ। देखो देखो, चॉकलेट सिरप भी ओवरवाइज से लेके आया हूँ। वाओ, सो चॉकलेट सिरप आया है और ये वाला मिल्क मैं आपको कह रही थी ओवरवाइज डेयरी का, बहुत अच्छा दूध होता है ये, तो स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए आप ये वाला मिल्क यूज कर सकते हो। ये देखो आज मैंने चॉकलेट सिरप ना केक के लिए ही मंगाया था, बिकॉज केक ना और फ्लेवरफुल हो जाता है अगर चॉकलेट सिरप उस पर डाल दो, तो मैंने हर्शेस का मंगाया था बट ओवरवाइज पे फ्रेश मिल गया, तो अंशुल वो ले आए और केक का टेस्ट ना अनदर लेवल पे चला गया इस चॉकलेट सिरप से। गोविंद तो अभी इंजॉय कर रहा है अपना केक। कल मैंने अपने घर के लिए ये न्यू पेंटिंग बनाई है, मैं आपको दिखा रही थी ना कि मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ, और कल फाइनली दोपहर में बैठ के मैंने ये पूरा पेंट कंप्लीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ना सोचा था कि न्यू ईयर पे फर्स्ट डे पे अपने घर पे न्यू पेंटिंग लगाऊंगी, तो अच्छे से डेकोरेट करूंगी, और आई थिंक मैं उसको ना उस वाली वॉल पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस चेयर पे बैठ के बहुत बार वीडियोस बनाती हूँ, तो वो वाली पेंटिंग जो होती है ना उस वॉल पे वो बहुत बार आती है। पेंटिंग अच्छा, ये किसने बनाई थी पेंटिंग? मैंने। अच्छा, तो गोविंद का कहना है कि दूसरी वॉल पे लगनी चाहिए, तो वी विल डिसाइड कहाँ पे लगेगी। ओके, तो चलो अभी मैं किचन में चलती हूँ, बनाती हूँ गाजर का हलवा। आज मुझे दही भी जमाना है, तो उसके लिए मैंने दूध निकाल के रख दिया है। अभी ये जब रूम टेम्परेचर का हो जाएगा ना, फिर मैं इसे बॉईल करूंगी, तो बॉईल भी जल्दी हो जाएगा और बहुत इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, अब मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैंने आधा किलो गाजर लिए, तो मैं ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मिल्क लूंगी, तो आधा किलो गाजर के लिए मैं 1 लीटर मिल्क लेने वाली हूँ फुल क्रीम। और मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये ओवरवाइज डेयरी का मिल्क है, बहुत अच्छा फुल क्रीम मिल्क होता है ये, तो ये वाला मैं यूज करूंगी। और इस कंटेनर में मैं 1 लीटर मिल्क डाल के बॉइल कर रही हूँ, और इस वाले कंटेनर में जो मैंने गाजर ग्रेट करके रखी थी ना उसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूंगी, जिससे कि इसका पानी जो है वो सूख जाए, और उसके बाद इसी वाले बड़े वाले पैन में मैं अपना बॉइल्ड मिल्क भी डाल दूंगी, और फिर ये साथ में पकेंगे। तो अभी मैं पहले दूध बॉइल कर लेती हूँ। तो मैंने अपने पैन को बस थोड़ा सा ग्रीस किया है घी से, और अब इसके अंदर मैं अपनी गाजर भी डाल रही हूँ, और ये देखिए जो गाजर का एक्सेस पानी है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा, गाजर बिल्कुल सूख जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर अपना बॉइल्ड मिल्क ऐड करेंगे।
अब ना हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये बॉटम में ना लगे पैन के, और जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा ना वैसे वैसे साथ में गाजर भी पकती जाएगी और हलवे का फॉर्म आता जाएगा। तो बस चलाने का काम है जो थोड़ा सा टीडियस है, जिससे आपको हाथों की मेहनत लगानी पड़ेगी, बट यस बन के जो एंड रिजल्ट आएगा ना वो देखने लायक होगा और उसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो बस अब इस स्टेज पे आप बिल्कुल भी इसे छोड़िएगा मत, चलाते रहिएगा, अदरवाइज तुरंत दूध नीचे बॉटम में लग जाएगा और पूरा हलवा आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप चलाते रहिए कंटिन्यूसली, अभी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और फिर इसे और कुक करेंगे। तो देखिए हमारा हलवा अब इस फॉर्म में आ गया है, ऑलमोस्ट ये सिक चुका है। तो अभी मैंने गैस को एकदम लो पे रखा है और अब मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ, तो अराउंड 6 से 7 टीस्पून्स है। जब हलवा इस तरीके से पैन छोड़ देना, चिपके नहीं पैन में, तो बस समझो हलवा आपका बनके एकदम तैयार है। तो हम बंद करते हैं गैस और बस अब मैं इसे निकालती हूँ और लगाती हूँ अपने ठाकुर जी को भोग सबसे पहले। Now it's time for real tasting. तो मैं अंशुल को टेस्ट कराती हूँ, खुद भी टेस्ट करती हूँ और आपको बताते हैं कैसा बना। Do you want to try? I want to make a bicycle. Honest बताना। I want to make a bicycle. Oh wow, गोविंद क्या भी try करो। गोविंद तो आएगा। देखो मामा ने क्या बनाया, कितना अच्छा बनाया। Orange chocolate खाएगा? Orange chocolate? नहीं, आज बाइसिकल बनी है। किसने बनाई है आपकी बाइसिकल? डैडी ने। डैडी ने बनाई है, आपने नहीं बनाई? नहीं, मुझे नहीं बनानी आती। ओके, डैडी आपको हेल्प कर रहे थे? यस। वाओ, कलरफुल बाइसिकल। कलरफुल। नाउ ही वांट्स टू सिट ऑन दिस बाइसिकल। गदू। अभी गोविंद को सुला दिया लंच करा के और हलवा बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने लाइफ में पहली बार हलवा बनाया, बिकॉज आप सब जानते हो मैंने कुकिंग ना US आके स्टार्ट की है, और US में ना इंडिया वाली रेड गाजर नहीं आती, यहाँ पे ऑरेंज गाजर आती हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था इन ऑरेंज गाजर में ना रेड वाली गाजर का इनहेरेंट स्वीट फ्लेवर नहीं होगा और इसका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। बट यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना और हलवा बोलोगे गाजर का, तो वो ऑरेंज गाजर का ही होता है। सो इस बार मैंने और अंशुल ने प्लान किया था कि गाजर का हलवा बनाएंगे न्यू ईयर पे, तो फाइनली वी डिड इट एंड बहुत अच्छा गाजर का हलवा बना है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी बनाना और मेरे साथ अपनी सभी रेसिपीज़ की फ़ोटो शेयर करना इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना तो प्लीज़ फॉलो मी देयर, बिकॉज मैं वहाँ पे ना बहुत सारे डे टू डे अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ, लाइव करती रहती हूँ, तो यू नो और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा हम लोगों का। सिंपल डे था क्योंकि कल बहुत सारी पार्टी कर ली और पार्टी का खाना भी बहुत सारा रखा हुआ है, एंड देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग फूड, तो पार्टी का ही फूड चला जा रहा है। और कल रात में और आज सुबह भी ब्रेकफास्ट में इतना हैवी खा लिया ना कि अभी तक भी भूख नहीं लगी है, और ऊपर से थोड़ा सा हलवा भी खा लिया है, तो लंच भी आज ऐसे ही हो गया, स्किप हो गया। और अभी भी मेरे पास चिपोटले का बरेटो बाउल रखा है, तो मे बी 4-5 बजे जब भी भूख लगेगी तो वही खाएंगे, और रात में फिर थोड़ा सा लाइट ही डिनर रखूँगी मैं, क्योंकि फिर से बैक ऑन ट्रैक हेल्दी डाइट पे आना है। तो यह ऐसा रहा हमारा 1st of January। मुझे आप लोग बताइएगा आप लोगों ने अपने घर पे क्या क्या स्पेशल किया, क्या क्या स्पेशल स्पेशल बनाया अपनी फैमिली के लिए। एंड यस, विंटर्स हैं तो आप गाजर का हलवा या मूंग दाल हलवा ज़रूर बनाओ, खाओ और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान करे आपकी लाइफ में इसी तरीके से स्वीटनेस, हैप्पीनेस, हेल्थ सब कुछ आता रहे, आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए। फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, जिस तरीके से आपने मुझे 2019 में इतना सारा प्यार दिया। जब आपके मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दे आर काइंड ऑफ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, बिकॉज जब मैं देखती हूँ ना इतने सारे लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं न्यू वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।